चल कल कहां पे हो गए थे? न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल हो गए थे। थर्ड देखिए, एन इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले से जूल में कन्वर्ट कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है। फाइंड इट्स मोमेंटम, सबसे पहली चीज। क्या रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में? मोमेंटम क्या रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में, कोई बताएगा? बोलो बोलो। हाँ, के इक्वल होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। मास कितना लेंगे आप इलेक्ट्रॉन का? नाइन इंटू 10^-31 kg हो जाएगा ये। ये 2 यहां आएगा, इक्वल आएगा पी स्क्वायर। पॉइंट हटाया, नीचे 0। ट्वेंटी फोर इंटू 16 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 31 और 19 कितना हो जाएगा? माइनस का 50, ये आया पी स्क्वायर। तो 24 अप्रोक्स में कितना होगा? रूट 4.9, 16, 4, 9, 3, 10^-25 इक्वल में आ गया पी। ये तो आ गया मोमेंटम, यूनिट लिख देना केजी मीटर पर सेकेंड। अब चाहिए वेलोसिटी, तो पी इक्वल एम बी, इससे वेलोसिटी आ जाएगी। इससे वेलोसिटी निकाल लेना। इसके बाद चाहिए वेवलेंथ, तो लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ अ बुलेट ऑफ मास? जीरो पॉइंट फोर के जी, मूविंग विथ वेलोसिटी
वन किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 1000 मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ चाहिए है एच अपॉन पी, यानी कि एम वी हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन नहीं करना है, कट कर दीजिए फिफ्थ। सिक्स्थ पे आते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर 300 केल्विन? वेवलेंथ पूछी है। नाइट्रोजन की वेवलेंथ पूछी है। अब किसी भी गैस मॉलिक्यूल की वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था बेटा? टेम्परेचर से रिलेशन क्या था? एनीवन? लैम्डा और टेम्परेचर में रिलेशन। हाँ, बिल्कुल सही। एच अपॉन अंडर रूट 3 के बी टी एम। तो यहां हमें जरूरत होगी मास की। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? वैसे तो एटॉमिक मास तो 14 होता है, ये 14 क्या होता, किलोग्राम, ग्राम, एएमयू क्या होता है? तो इसे किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, अब देखिए। अच्छा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन रहती है, किसी को याद है कितनी होती है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता था आर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। आर की वैल्यू क्या होती थी? तो इससे निकल के आता था केबी, के भी आता था 1.63 इंटू 10^-23। तो अब आप सब होशियार हैं, आपको मालूम है इसके आगे हमें क्या करना है। सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू 10^-34 अपॉन अंडर रूट 3, के बी की जगह 1.6 इंटू 10^23, टेम्परेचर 300, मास 14 इंटू 10^-3।
हो जाएगा हाँ माइनस पे लिखे हो जाएगा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कहा गया फाइंड दी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 300 केल्विन। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6 × 10⁻²⁷ kg। बाकी सब सेम है। क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा इसमें नई चीज आएगी। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ पेयर प्रोडक्शन, अब पेयर प्रोडक्शन क्या होता है बस ये समझ लो। पेयर प्रोडक्शन में एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर दो गामा फोटोन देता है। फोटोन का हो चाहे गामा फोटोन एक ही बात है। पेयर में प्रोडक्शन होता है। पेयर में आपसे कहा गया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 10.2 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ गामा फोटोन। गामा फोटोन की वेवलेंथ पूछी है तो पहले तो ये बताओ गामा फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। अबे फोटोन की ही एनर्जी पूछ रहा हूं कितनी होगी। अरे इलेक्ट्रॉन ने ब्रेक होके दो फोटोन दिए, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी थी। हाँ भाई पेयर में दो फोटोन मिले तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। फाइव पॉइंट वन बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी होगी और 5.1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी होगी। ठीक है लैम्डा आपसे पूछा गया है तो सबसे पहले बिलियन और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाओ। बिलियन का मतलब 10⁻¹। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाने के लिए 1.6 × 10⁻¹⁹। ये तो आ गई एनर्जी।
फोटोन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला, हो जाएगा क्या आप कर पाएंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है जो अब सिलेबस में नहीं है, तो कट कर दीजिए इसको। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पर। अ पार्टिकल मूविंग 3 टाइम फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is 3 times more than velocity of electron, ये आपको given है। The ratio of de Broglie wavelength of particle to electron is 1.813 into 10 to the power minus 4 ratio given है। Find the mass of particle, so velocity of particle is 3 times the velocity of electron। अब ऐसा फॉर्मूला जिसमें लेमडा एम और वी आते हूं, बोलिए तो लेमडा पी अपॉन लेमडा ई एच अपॉन एम वी, यहां भी एच अपॉन एम वी, एच कैंसिल हो जाएगा, एम ई वी ई अपॉन एम पी वी पी, यहां 1.813 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ पार्टिकल चाहिए है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 3 times ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आपको सॉल्व करना है। ये आपका चैप्टर था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या ड्यूअल नेचर ऑफ